बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, मतलब है बाइकॉट वाले ना जीना हराम करके रखा यार। कहीं पर भी देखो बाइकॉट 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 हैशटैग चल क्या रहा है यार। ये लाल सिंह चड्ढा जब से पैदा हुआ तब से बाइकॉट चल रहा है। अभी रक्षाबंधन बाइकॉट चल रहा है कुछ दिन से लगातार, फिर अमिताभ बच्चन, फिर अभी ये आलिया भट्ट कहाँ से आ गया यार? क्यों नेपोटिज्म वाले जिंदा हो गया क्या? पूरा बॉलीवुड ही बाइकॉट चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है यार? पहली बार ऐसे है कि पूरा बॉलीवुड का बाइकॉट हैशटैग चल रहा है। जो भी हो, लेट्स सी, वेलकम बैक बॉलीवुड विद मनीष। स्टार्ट, पहला पॉइंट, जब से लाल सिंह चड्ढा का ट्रेजर और ट्रेलर रिलीज हुआ तब से लाल सिंह चड्ढा हैशटैग बॉयकॉट चलते आ रहा था। आमिर खान को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बॉयकॉट वाले ने इतना प्रमोट कर दिया लाल सिंह चड्ढा को, हर जगह फैला हुआ है, बस लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट। कुछ भी हो, इसी से आमिर खान का ही फायदा है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। अभी रक्षाबंधन से बॉयकॉट से कोई मतलब नहीं था, आमिर खान का फैन फॉलोइंग था, क्यों यार लाल सिंह चड्ढा इतना प्रमोट हो रहा है हैशटैग बॉयकॉट से? वो भी पीछे का रहने वाला था, उसने भी ढूंढ निकाला। उसके जो राइटर है उसने भी कुछ पुलवामा हमला में नेगेटिव कमेंट किया था, कश्मीर पर नेगेटिव कमेंट किया था, बस उसके मिल गया, उसे भी बॉयकॉट रक्षाबंधन, वो भी स्टार्ट हो गया। अभी बेचारा बीच में फंस गया अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन 10 तारीख को प्रीमियम होने वाला था, लाल सिंह चड्ढा उसमें आने वाले थे, बस सबको मालूम पड़ गया तो सभी पब्लिक ने स्टार्ट हो गया हैशटैग बॉयकॉट अमिताभ बच्चन। भाई कुछ भी यार, अभी ये सब देखने के बाद नेपोटिज्म बाइकॉट वाले कहाँ पीछे रहने वाले था, वो भी शुरुआत हो गया। आलिया भट्ट की मूवी आने वाला है, उसे देख के भी स्टार्ट हो गया आलिया भट्ट बाइकॉट। अरे पूरा बॉलीवुड को भी बाइकॉट करवा दो, देखो ही मत, बॉलीवुड बाइकॉट, दे ताली। उसके बाद क्या होगा यार? हाँ, उसके बाद होगा ना साउथ का मूवी देखेंगे, हॉलीवुड मूवी देखेंगे, जो आजकल हालत है। बट जो भी हो, मेरा मानना है इस 11 अगस्त को धमाल होने वाला है। एक तरफ रक्षाबंधन, दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा, और तीसरी तरफ है मेरा जेब खाली। मतलब अक्षय कुमार के लगातार कुछ फिल्में फ्लॉप होने के बाद रक्षाबंधन को लेके पब्लिक और अक्षय कुमार दोनों ही उम्मीद लगा के बैठा है कि इस फिल्म बहुत धमाल करने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। इसका जो गाने हैं धमाल, मतलब सबका सर चढ़ के बोल रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर या फिर गाना पब्लिक ने बहुत पसंद किया। गाना चाहे कैसे भी हो, बस पब्लिक को स्टोरी दिमाग में बैठना चाहिए। रक्षाबंधन साउथ या किसी हॉलीवुड मूवी का रीमेक नहीं है, ये एक फ्रेश स्टोरी है जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। बस रक्षाबंधन उम्मीद लगा के बैठे, पब्लिक इसे ग्रीन सिग्नल दे दे। आई होप अक्षय कुमार हमें निराश ना करे। नेक्स्ट है लाल सिंह चड्ढा। हर तरफ से इस मूवी का प्रमोशन ही चल रहा हो, आमिर खान ना चाहते हुए भी इस फिल्म का ऐसे या फिर ऐसे हर तरफ से प्रमोशन ही हो रहा है। आप ट्विटर ओपन करके देखो, आप यूट्यूब ओपन करके देखो, आप टीवी चैनल ओपन करके देखो, हर जगह चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। मतलब हर जगह ही इसके ट्रेंडिंग में चल रहा है न्यूज, क्यों नहीं प्रमोट होगा यार? एक टाइम था जब आमिर खान को कंटेंट किंग बोला जाता था। इससे पहले तक उनका कुछ लास्ट फिल्म उठा के देख लो भाई, बबल मचा दिया था। लेकिन जब पब्लिक को मालूम पड़ा लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम के रीमेक है, भाई तब से पब्लिक का ना दिमाग हिल गया। ये गुड न्यूज है, दोनों फिल्म को यूएई के सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो बच्चे भी फिल्म को देख सकते हैं फैमिली के साथ, जो फिल्म मेकर के लिए प्लस पॉइंट है। और लाल सिंह चड्ढा का जो लेंथ है 2 घंटा 45 मिनट का, जो थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले और स्टोरी फिट का गया तो भाई भाई चिपक जाएगा पब्लिक, नहीं तो बाकी फिल्मों की तरह हालत होने वाला है। बाय द वे, इस फिल्म को 3 लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है, हिंदी तमिल और तेलुगु। टोटल स्क्रीन मिल रहा है 4200 से लेकर 4400 तक, मतलब बहुत। और वहीं रक्षाबंधन को 3500 स्क्रीन मिला है, मतलब नॉट बैड। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद दोनों का उतार चढ़ाव हो सकता है, जो मूवी अच्छा है उसका स्क्रीन ज्यादा बढ़ते जाएगा और जो बेकार है उसका घटते जाएगा। लेकिन जो भी हो, अभी के टाइम में जो हालत है, पब्लिक के भरोसे, पब्लिक किसे चूज करता है? सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी चीज पसंद नहीं तो भाई स्किप कर दो, बाइकआउट करके उसका प्रमोट करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भाई तभी आप कौन सा मूवी देखने वाले हो, रक्षाबंधन या लाल सिंह चड्ढा? कौन सा आप पहले देखने वाले हो जरूर कमेंट करके बोलो। फिर मिलेंगे ना मूवी रिव्यू के साथ। बाय बाय।